नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। शुभ संध्या सभी को, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का इस सुश्रुत संहिता पठन, विवेचन, निरूपण सायंकालीन सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक नया प्रारंभ हम करने जा रहे हैं सुश्रुत संहिता को लेकर। ये एक हमारा प्रयास है, मुझे आशा है ये हमारा प्रयास आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। मेरे साथ है वैद्या केतकी वाटेगावकर पर्लीकर, जो कि BMS ग्रेजुएट है और प्रैक्टिशनर है बड़ौदा गुजरात से। मेरे साथ है वैद्या मितुषी शाह, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट है मुंबई से, महाराष्ट्र से। तो मुझे लगता है एक सौभाग्य की बात है, आज मेरे साथ मेरे दो छात्राएं हैं। एक मेरे जिसे हम जन्मभूमि कहते हैं वहां से है, और दूसरी जो है वो मेरी कर्मभूमि जो सोलापुर वहां की मेरी छात्रा है, और दूसरी जो मेरा पुराना कॉलेज था उद्गीर वहां की छात्रा है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा संयोग है, बार बार आयुर्वेद में संयोग की बातें हम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे छात्राओं के साथ मुझे इस प्रकार से निरूपण करने का मौका मिल रहा है। मुझे तो कभी मौका नहीं मिला किसी के साथ इस प्रकार से पठन करने का, लेकिन निश्चित रूप से आप भी भाग्यशाली हो, और आगे चलकर आप भी इस परंपरा को कायम रखिएगा निश्चित रूप से। पहले ऐसा नहीं होता था इतना ज्यादा, जैसे कि घुलमिल तो जाते थे लेकिन इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ कभी, शायद कभी मौका नहीं मिला। लेकिन निश्चित रूप से आज मैं आपके साथ इस प्रकार से ये पठन कर रही हूँ, तो मुझे एक अलग खुशी भी हो रही है। एक पुरानी छात्रा, एक नई छात्रा, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन, एक पुराने जमाने के जहाँ पे मैं काम करती थी वहां का एक प्रतीक है, और आज के जहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो निश्चित रूप से आप सभी का यहाँ पे इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने देखा है, बार बार संहिताओं का महत्व हमने प्रतिपादित किया है अलग अलग मौकों पर, किंतु हमेशा हम लोग बाकी सारी संहिताओं का पठन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मतलब हमने जब भी डिस्कस किया तो हमारे मन में था कि क्यों ना हम सुश्रुत को पढ़े, क्यों हम सुश्रुत संहिता को, इतना महत्वपूर्ण, भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। लेकिन थोड़ा सा एक प्रकार से शल्य के प्रति इसका महत्व ज्यादा है, शल्य को सामने रखकर आचार्य सुश्रुताचार्य ने इसकी रचना की है, तो कहीं ना कहीं जाकर एक मन में डर या फिर ऐसे रहता है कि यह शल्य का ग्रंथ है बस। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका समावेश बृहत्तरे में किया है, तो निश्चित रूप से इसको भी पठन करना, इसका भी निरूपण करना, विवेचन करना उतना ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस सत्र का आरंभ करने के लिए मैं वैद्य केतकी से करती हूँ। जैसे कि हमारी परंपरा है, संध्या वंदना से या धन्वंतरी वंदना से हम इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। जी मैम। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुत्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रम् कालाम्भोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् फिर से एक नमस्कार। बार यस तो फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम, और आपका सभी का स्वागत है इस सुश्रुत संहिता सायंकालीन सत्र पठन एवं विवेचन में। तो जैसा कि हमने अभी बताया, सुश्रुत संहिता का ज्यादा पठन किया नहीं जाता है, और एक मन में था कि क्यों ना हम सुश्रुत के विचारों को आपके सामने प्रकट करें। तो इसी के चलते हमने ये प्रयास किया है, बस हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार हम इसका विवेचन करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो मैं यहाँ पे वैद्य केतकी से अनुरोध करती हूँ कि वो कुछ बताए। जी सुश्रुत जी हमारे बहुत ही प्राचीन आचार्य रहे हैं, जैसे चरक और वाग्भट जी रहे हैं, और बृहत्त्रयी में सुश्रुत संहिता का बहुत ही महत्व रहा है। और आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे, बहुत ही प्रसिद्ध उनके जमाने में,
और उनकी जो शल्य तंत्र चिकित्साएं हैं, मुझे लगता है कुछ कुछ यंत्र जो मॉडर्न में भी उनके संहिता से इस्तेमाल किए गए हैं, और उनकी जो कुछ टेक्निक रही जैसे प्लास्टिक सर्जरी की या फिर आई सर्जरी की, जो मॉडर्न में भी मेरे ख्याल से रेफरेंस लिया गया होगा उनकी संहिताओं का, और ऐसी जो बारीक चिकित्साएं हैं प्लास्टिक सर्जरी जैसी, जैसे नाक का प्रत्यारोपण हुआ, वो ऐसी चिकित्साएं उस जमाने में उन्होंने पॉसिबल करके दिखाई थी। शल्य तंत्र उन्होंने बहुत ही अच्छे से विकसित किया था, और मेरे बीच में कुछ आक्रमणों की वजह से कुछ संहिताएं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे यहाँ से लुप्त हो गई, तो आगे ये जाके विकसित नहीं हुआ। नहीं तो आयुर्वेद में भी शल्य का बहुत ही महत्व रहता, और बहुत शल्य तंत्र भी आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, वैद्य मितुषी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो कुछ बताए, जैसे बृहत रही है, लघुत रही है, हमारे सभी यंत्र है जिसको हम गुरु का दर्जा देते हैं, तो प्रेश प्रमाण जिसको आयुर्वेद में माना, आप कुछ बताइए। जैसे केतकी मैम ने सही बोला कि बृहत्त्रय में सुश्रुत संहिता का बहुत बड़ा रोल है, तो सिमिलरली चरक संहिता भी बृहत्त्रय का बहुत, सब जानते हैं कि बृहत्त्रय एक गुरु शिष्य परंपरा से हुआ है, जैसे क्वेश्चन आंसर्स के बेस से चरक संहिता बना गया है। एंड चरक संहिता आई थिंक एक ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें चतुष्पाद वर्णन है, जो हमें सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता कहीं पे नहीं मिलेगा। ये सात चतुष्पाद जो है वो हमें चरक संहिता में ही मिलेंगे, और चरक संहिता मोस्टली काय चिकित्सा के बेस्ड पर है, और सुश्रुत संहिता शल्य के तंत्र पे बेस्ड पर है। तो कहने का मतलब तीनों ग्रंथ का इक्वली इम्पोर्टेंस है हमारे आयुर्वेद। यस यस डेफिनेटली, तो निश्चित रूप से तीनों ग्रंथों का महत्व है आयुर्वेद में। सुश्रुत के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी विस्तृत रूप से। जैसे कि हम सुश्रुत संहिता का पठन करने जा रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि आचार्य सुश्रुत ने जो भी जिस प्रकार से उन्होंने इस संहिता की रचना की है, और जिस प्रकार से इस सुश्रुत संहिता को पूरे भारत में, कहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इस सुश्रुत संहिता का अपना एक महत्व है, अपना एक महिमा है। जैसे कि पिछले दिसंबर महीने में कुछ गैजेट को लेकर चर्चा हुई, और तब बहुत सारा ये सच सामने आया कि किस प्रकार से सुश्रुत या शल्य तंत्र पूरे देश भर में, जो प्रथम शल्य तंत्र का अधिकार या प्रथम शल्य का उपयोग वो हमारे धन्वंतरी ने की थी, सुश्रुताचार्य ने की थी। सो सुश्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी। तो सुश्रुत के बारे में जैसे कि हमने बार बार हमारे जो भी आचार्य रहे हैं, चरक हो, अष्टांग हृदय हो, तो उनके बारे में क्या है, उनका इतिहास क्या है, किस प्रकार से उन्होंने नावलौकिक हासिल किया, जैसे कि हमारी आयुर्वेद की रचना जिस प्रकार से अश्विनी कुमार है, इंद्र है, प्रजापति है, या एक प्रकार से हिमालय के यहाँ पे इन सारी आचार्यों की जो भी वहां पे एक संध्या संभाषा हुई थी, और इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय बने और आगे चलकर अलग अलग संहिताओं का वर्णन या संहिताओं का निर्माण हुआ। तो सुश्रुत का जन्म अगर हम देखेंगे तो उसके बारे में एक अनुमान ही लगाया जा सकता था, लगता है उनका जन्म ऋषि विश्वामित्र के कुल में हुआ था, और उनकी अद्भुत रचना सुश्रुत संहिता की रचना काल जैसे कि पूर्व छठी शताब्दी माना जाता है। आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा किस प्रकार से की जाए इसके बारे में मात्र अनमोल एक विवेचन उन्होंने किया है, और देवीदास नामक जो चिकित्सा के शास्त्री थे, काशी के थे वो नरेश, तो उसका दूसरा जो नाम है धन्वंतरी भी हुआ। उस काल में चिकित्सकों का धन्वंतरी भी कहा जाता था, और आचार्य सुश्रुत का जन्म भी ऐसे ही कुल में हुआ था। शल्य चिकित्सा का नामकरण कैसे हुआ, उसका आधार यह है कि प्राचीन काल में तमाम युद्ध होते थे, और जिसमें सैनिक भी काफी तरीके से हाथ पैर उनका टूट जाता था, कुछ हेड इंजुरी होती थी, अलग अलग अवयवों पे कुछ हानि होती थी, अंगहीनता होती थी, तो उस प्रकार उन्हें स्वास्थ्य दिलाने के लिए जिसमें असहनीय पीड़ा भी होती थी, क्योंकि शल्य शब्द का अर्थ पीड़ा भी है, तो इस पीड़ा को कम करने के लिए प्रकार से, और ये जो भी अंग प्रत्यंगों की हानि होती थी इसका प्रत्यारोपण करने के लिए आचार्य सुश्रुत के काल में अनेक सारी जो वैदिक चिकित्सा पद्धति थी
जो बिखरा हुआ था उन्होंने इस प्रकार से ही बिखरा हुआ जो भी शल्य चिकित्सा या इस प्रकार से अंग प्रत्यारोप की जो विधि थी उसको उन्होंने इकट्ठा किया और अलग अलग इस प्रकार से जो भी सैनिक थे उनके ऊपर उन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू किया। और इसी प्रकार से इसी सभ्यता से जुड़े श्लोकों को 3000 और 1000 ईस्वी सन पूर्व के बीच संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो हिंदी धर्म की सबसे पुरानी पुस्तिका या संस्कृति हम कह सकते हैं और इस प्रकार से भारतीय इतिहास में वैदिक शास्त्र बड़ा जाना जाता है और इस प्रकार से सुश्रुत संहिता जो भारतीय चिकित्सा में एक सर्जरी की सर्वोत्तम प्राचीन परंपरा का वर्णन करता है उसे भारतीय चिकित्सा साहित्य में एक अलग शानदार दर्जा दिया है। प्लास्टिक सर्जरी का भी मतलब यही है कि शरीर के किसी भी हिस्से को रचना को ठीक करना और प्लास्टिक सर्जरी ने काफी जैसे कि आज कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत ही उभरा हुआ अंग है जिसको काफी सारे हमारे लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से इस सुश्रुत संहिता की रचना हुई है। इस सुश्रुत संहिता के ग्रंथ में अगर हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है इस किताब में या इस प्रकार की चिकित्सा में 125 से अधिक स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया है। जैसे कि हमने देखा कि सुश्रुत शल्य के प्रणेता है तो इन्होंने काफी सारे उपकरणों का वर्णन किया है और वहां पे इनकी शैली है कि उन्होंने जैसे कि प्राणियों के अलग अलग मुख होते हैं उनको लेकर उन्होंने वर्णन किया है। उनका कहना था कि ये आसान होता है जब हम एक कोई यंत्र लेते हैं तो इसको किस नाम से बुलाए, तो ये उनकी विशेषता है कि यंत्र शास्त्र के बारे में उन्होंने काफी अच्छे से वर्णन किया है। अलग अलग प्राणियों के नाम उन्होंने इसको दिए है और उन्होंने ऑपरेशन के लिए स्वयं के द्वारा खोजे गए 300 अधिक तरीके एवं प्रक्रियाओं का इस संहिता में वर्णन किया है। इसमें ना केवल सभी अंग प्रत्यारोपण बल्कि कॉस्मेटिक्स जो कि आज बहुत जरूरत है, कॉस्मेटिक को लेकर काफी लोग परेशान होते हैं कि कुछ ना कुछ उनको सर्जरी करनी होती है, नेत्र चिकित्सा मोतिया बिंदु को ऑपरेशन करने में वे मतलब उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त जो भी सारे प्रसव की जो भी प्रसूति तंत्र की जो भी सारी ऑपरेशंस होती है उसको भी उन्होंने भली भांति समझाया, ना केवल प्रसूति तंत्र बल्कि काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग चिकित्सक। तो सुश्रुत एक शल्य चिकित्सा के प्रणेता थे लेकिन वो अध्यापक भी थे, उन्होंने इस प्रकार से अध्ययन का भी कार्य किया है। तो सुश्रुत की शल्यक्रिया को लेकर इन्होंने अपनी रचना में 8 प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में वर्णन किया है, ये इनकी विशेषता है। जैसे छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, ऐश्य, आहार्य, विश्रव्य और सीव्य। तो ये 8 प्रकार के शल्यक्रिया के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो जटिल से जटिल चिकित्सा या जटिल से जटिल शल्यक्रिया के बारे में सुश्रुत ने अपने संहिता में वर्णन किया है। शरीर जैसे कि सुश्रुत चार्य का ना केवल शल्य बल्कि शारीरिक स्थान की भी उनकी अपनी विशेषता है, अपना एक निपुणत्व है। तो इसी के साथ साथ जैसे कि हमने अभी हम पढ़ रहे कि किस प्रकार से उन्होंने चिकित्सीय निपुणता प्राप्त की थी, तो यहाँ पे बताया जाता है कि एक बार आधी रात के समय में सुश्रुत को दरवाजे पर दस्तक दी, वो बैठे थे कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने दिया जलाया और दरवाजा खोला तो वहां पर उसकी नजर एक जो भी व्यक्ति पर पड़ी, उस व्यक्ति की आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसकी नाक कटी हुई थी और उसके नाक से नासा से तीव्र रक्त बह रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सुश्रुत कि आप मेरी सहायता कीजिए, आचार्य मेरी सहायता कीजिए। तो सुश्रुत ने उसे अंदर ले लिया और इस प्रकार से उन्होंने उस अजनबी व्यक्ति को एक साफ और स्वच्छ कमरे में ले गए वो, और कमरे में ले जाकर दीवार पर शल्यक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण जो थे उसको उन्होंने अच्छी प्रकार से साफ किया और थोड़ा सा जैसे कि हमने देखा कि बार बार की प्राचीन काल में कुछ आज के जैसे एनेस्थीसिया या सम्मोहन शास्त्र का विकास नहीं हुआ था तब मध्य का उपयोग किया जाता था सम्मोहन के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा मध्य उसको पिलाया और फिर जाकर सारा जो भी वहां पे नासा से रक्तस्राव होता था उसको उन्होंने साफ किया और अलग अलग प्रकार की चिमटी या अलग अलग प्रकार के चाकू या जो भी शस्त्र यंत्र होते थे उनका प्रयोग कर उन्होंने इस प्रकार से वहां पे जो भी रचना में खराबी आई थी उसको इस प्रकार से दुरुस्त किया, उसका दर्द भी कम हुआ।
तो मुझे लगता है कि ना केवल एक शल्य तंत्र के प्रणेते, लेकिन संज्ञा जो शास्त्र है, संज्ञा शास्त्र एनेस्थीसिया, तो इसको भी इन्होंने डेवलप किया है अलग अलग प्रकार से। तो ये भी एक सुश्रुत संहिता की विशेषता है। टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषता प्राप्त की। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम के लिए मद्यपान का उपयोग किया, एनेस्थीसिया को डेवलप किया। इसके अतिरिक्त सुश्रुत की विशेषता यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो मधुमेह व मोटापे के रोग की भी विशेष जानकारी दी। तो जैसे कि हमने तय किया है हमारे दोनों जो भी वैद्य है उनके साथ कि हम लोग निदान चिकित्सा को एक साथ बताएंगे, यहाँ पे पेश करेंगे निदान क्या होता है, हेतु क्या है, और फिर जाकर उसकी चिकित्सा हम बताने जाएंगे। तो इस प्रकार से मधुमेह के ऊपर भी उन्होंने अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास भी कराया। ये भी बड़ी बात होती है, जैसे कि आयुर्वेद में कहा है कि दुष्ट कर्मा शुद्ध कर्मा, तो ये दोनों गुण वैद्य में चाहिए। तो हमें केवल पढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी, हमें अपने शिष्यों को सिखाना भी चाहिए। और यही सब बातें सुश्रुताचार्य ने की कि ना केवल उन्होंने रचनाएं की, ना केवल उन्होंने शल्य क्रिया की, बल्कि उन्होंने सभी ये बातें अपने शिष्यों को पढ़ाई सिखाई, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों सब्जियों और मोम के पतलों का उपयोग करते थे। जैसे कि हम देखते कि बच्चों को भी हम जब स्कूल में डालते हैं, यूकेजी या लोअर क्लास में जब बच्चे होते हैं, तो कुछ समझाने के लिए ऐसे फल या अलग अलग शेप बनाने के लिए आजकल जो मड का ये आता है, क्ले का सेट आता है, उसको हम देते हैं अलग अलग प्रकार से, उसको कुछ बनाने लगाते हैं और उससे हम समझाते हैं। तो वही बात सुश्रुत ने उस जमाने में की थी। तो देखिए कि मुझे लगता है कि आज हम खुद को बहुत बड़ा आधुनिक मानते हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि इतना वो जमाना था कि कितना आधुनिक विचार उन लोगों में था, कि उन्होंने इस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने शिक्षण के लिए इस सभी चीजों का उपयोग किया, फल का उपयोग किया, मतलब उसको सामने रखकर उन्होंने अध्ययन किया। और आज कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास इतना सारी सुविधाएं हैं, फिर भी कहीं जाकर हमारे अंदर इतनी रुचि नहीं रही क्या, क्योंकि इतना मटेरियल होने के बावजूद भी हमें कभी कभी महसूस होता है कि हमें और कुछ नॉलेज चाहिए। वो इस प्रकार से सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ के नाम सुश्रुत संहिता कहलाता है। इसे आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ कहा गया है, जिसमें 120 अध्याय है। और धन्वंतरी की सुश्रुत संहिता का, धन्वंतरी आचार्य धन्वंतरी को सुश्रुत संहिता का उपदेशक माना जाता है, जबकि इसकी रचना उनके शिष्य आचार्य सुश्रुत ने की थी। जैसे कि हमने देखा चरक का भी प्रति संस्करण हुआ, अलग अलग संहिताओं का प्रति संस्करण, जैसे कि मैडम ने भी अभी बताया केतकी ने की, जैसे कि हमारा जो भी एक युद्ध होता था, कुछ अपहरण करते थे अनेक अनेक वस्तुओं का, तो इसके साथ साथ हमारी ग्रंथ संपदा भी बहुत नष्ट हो, क्योंकि आज हिंदुस्तान एक इतना समृद्ध देश है, इसके साथ साथ हमारे पास जो भी हमारे बल स्थान होते थे, जैसे कि हमारे पास काफी सारा ज्ञान भंडार था और बहुत सारी किताबें थी, तो इन किताबों का भी हनन हुआ, काफी सारा जो हमारा ये मटेरियल था उसका लॉस हुआ। इसके पश्चात फिर हमें हमारे आचार्यों ने इसका पुनर्संस्करण करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से इसके भी कुछ अध्याय जो है इसका भी प्रतिसंस्करण, नागार्जुन आचार्य ने इसका प्रतिसंस्करण किया है सुश्रुत का भी। तो जो धन्वंतरी द्वारा उपदिष्ट एवं उनके शिष्य सुश्रुत द्वारा प्रणित ग्रंथ आयुर्वेद जगत में सुश्रुत संहिता के नाम से जिसे जाना जाता है, तो उसका बाद में 9वीं शताब्दी में उसको नागार्जुन के द्वारा फिर से एक बार उन्होंने कुछ उसमें बदलाव लाया और उनको इसका प्रतिसंस्कार या प्रतिसंस्कर्ता बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत है, जो 6वीं शताब्दी में ईस्वीसन पूर्व काशी में उनका जन्म हुआ था, तो मुझे लगता है काशी वाराणसी जो भी एरिया है तो ये काफी प्रचलित है। इस प्रकार से विद्वान लोगों ने वहां पे जन्म लिया और इस प्रकार से ये सारी ग्रंथों की रचना की है। यद्यपि जो वर्तमान काल में उपलब्ध सुश्रुत संहिता है, जो भी अष्टांग आयुर्वेद का पर्याप्त वर्णन मिलता है, तथापि शल्य चिकित्सा को भी यहाँ पे आधार मानकर इसका वर्णन किया है। किंतु अगर हम रचना देखेंगे, अगर हम सुश्रुत संहिता के बारे में जानेंगे, तो उसमें भी जैसे कि सूत्र स्थान है, शारीर स्थान है, निदान स्थान है, तो इन सारे स्थानों में जैसे हमने देखा कि अष्टांग हृदय में भी जो पहला अध्याय था उसमें अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है, वैसे भी हमारे सुश्रुताचार्य ने सूत्र स्थान में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है। तो ये मुझे हमेशा लगता है कि ये सारे आचार्य अपना अपना कहते हैं, लेकिन एक दूसरे का भी वो महत्व रखते हैं, एक दूसरे को भी वो मान सम्मान देते हैं, है ना? आप बताइए कितनी कुछ। जी मैम, जैसे वाग्भट जी के बारे में कहा जाता है कि चरक संहिता या वाग्भट जी तो मतलब बाद में आए, जैसे पहले चरक और सुश्रुत संहिता हुई और बाद में वाग्भट संहिता लिखी गई,
तो जितना चरक संहिता को वाग्भट जी समझा पाए या जितना वो समझ पाए उतना आज तक कोई नहीं समझ पाया, ऐसा कहा जाता है। जो चरक संहिता को क्या बोल सकते, इजी तरीके से उन्होंने समझाया ऐसा कोई नहीं समझा पाएगा। चरक संहिता ही उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है और उनकी चिकित्सा, वाग्भट जी की चिकित्सा भी बहुत इजी है, मतलब फॉलो करने के लिए बहुत इजी तरीका बताया गया है, बताया दिया है उन्होंने। और सूत्र भी जो रचे गए हैं वो अच्छे से याद करने लायक हैं, जैसे कठिन नहीं है। यस यस, और जैसे कि मतलब नागार्जुन ने कुछ इस पे ये किया, उत्तर तंत्र को जोड़ा श्रुति संहिता के साथ साथ, फिर 10वीं सदी में भी 63 पुत्र चंद्रट ने भी जज्जर की व्याख्या के आधार पर इसकी पाठ्य शुद्धि की है। तो मुझे लगता है ये भी इनका एक काफी सराहनीय प्रयोग होता है कि एक दूसरे मतलब जो भी सुश्रुत के अनुयायी थे उनके शिष्य थे तो उन्होंने इसका प्रति संस्करण किया। ये तो ये भी पद्धति हमारे आज के जमाने में इसकी भी जरूरत है मुझे लगता है। तो आप कुछ कहिए मितुषी, आप कुछ कहिए। जैसे कि केतकी मैम ने बोला कि वाग्भट बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, हाँ मतलब सुश्रुत संहिता में जैसे चरक में चरक आचार्य ने वात दोष को ज्यादा प्राधान्य दिया है, सुश्रुत आचार्य ने वात पित्त को प्राधान्य दिया है, तो वाग्भट ने त्रिदोष का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो मतलब आपने पहले बोला कि तीनों आचार्यों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट किए तो प्रॉपर है, मतलब तीनों संहिता कहीं ना कहीं तो लिंक्ड है ही, कहीं ना कहीं हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता तीनों इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए सुश्रुत संहिता की रचना देखेंगे तो इसमें 120 अध्याय है, सूत्र स्थान में 46 अध्याय है, विधान स्थान में 16, शरीर स्थान में 10, चिकित्सा स्थान में 40 अध्याय है और कल्प स्थान में 8 अध्याय विभाजित किए है। और नागार्जुन कृत जो उत्तर ग्रंथ है उसमें 66 अध्यायों को भी इसमें जोड़ देने पर वर्तमान में इस संहिता में कुल 186 अध्याय मिलते हैं। तो जैसे कि इसमें 1120 रोगों को यानी 7 से औषधीय पौधे खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु या स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि बहुत अलग है सुश्रुत संहिता और मुझे लगता है कि हमें काफी इंटरेस्ट आएगा जब हम इसे आगे पढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता या सूत्र स्थान में अलग अलग मौलिक सिद्धांत है, जैसे अलग अलग औषधि द्रव्य है, वमन विरेचन के अलग अलग कल्प है, शल्य सिद्धांत चिकित्सा के अनुभूत सिद्धांत है तथा शल्य कर्म है, शस्त्रास्त्र, क्षार कर्म, अग्निकर्म, जलों का कर्ण वगैरह आदि सभी ये सुश्रुत सूत्र स्थान में वर्णन किया है। चिकित्सा स्थान में उन्होंने शल्य तंत्रोक्त रोगों की चिकित्सा के साथ साथ वाजीकरण, रसायन एवं पंचकर्म, देखिए मुझे लगता है कि वाजीकरण, रसायन और पंचकर्म भी हमारे तीनों आचार्यों ने उनका वर्णन किया है, तीनों संहिताओं में इसको हम देखते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सुश्रुत शल्य के थे किंतु उन्होंने भी अपना अपना उनका जो भी कथन था, अपना अपना जो भी वक्तव्य था वो दर्शकों के सामने रखा, उसको उन्होंने निश्चित रूप से अपना अपनी संहिता में जगह दी। और निदान स्थान में भी जैसे 16 या अध्याय है उसमें भी उन्होंने अपने जो उनके खास रोग है शल्य के, जैसे अर्श, भगंदर या अश्मरी या ऐसे कुछ रोगों का वर्णन किया। और चिकित्सा स्थान में उन्होंने समस्त शरीरगत रोगों की शल्य चिकित्सा और उसी के साथ औषधि चिकित्सा का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये वर्णन उन्होंने किया है। तो जैसे कि आगे हम देखेंगे कि सुश्रुत संहिता की टीकाएं क्या है। तो सुश्रुत यह शल्य परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है जिसमें शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन आया है और किंतु प्रत्यक्ष कर्माभ्यास शास्त्र के सम्यक अध्ययनों परंत ही संभव है। तो संहिता के गूढ़ार्थ को समझे बिना प्रत्यक्ष कर्माभ्यास में सम्यक गति होना संभव नहीं है और यही हमारा प्रयास है कि हम संहिता के गूढ़ अर्थों को समझें और फिर जाकर हमें इस प्रकार से प्रैक्टिकल उसपे करना होगा, प्रात्यक्षिक ज्ञान हमें लेना होगा। तो देखा जाए कि वर्तमान में सुश्रुत संहिता पर सबसे प्रिय, सबसे प्रसिद्ध दल्लन विरचित निबंध संग्रह, गयदास विरचित न्याय चंद्रिका, चक्रपाणि दत्त विरचित भानुमति एवं हराना चंद्र विरचित सुश्रुतार्थ संदीपन व्याख्या उपलब्ध है। इनमें से न्याय चंद्रिका केवल निदान स्थान पर और भानुमति जो है केवल सूत्र स्थान पर उपलब्ध है, जबकि निबंध संग्रह और सुश्रुतार्थ संदीपन व्याख्या है पूर्णतः प्रकाशित है। तो आज हम जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे तो मुझे लगता है कि हम मिश्रित रूप में पढ़ेंगे, ज्यादा हम निबंध संग्रह को ही मानकर चलेंगे क्योंकि ये सबसे प्रचलित है और प्रिय है, सबको उपयोग भी है।
तो इस व्याख्या की महत्ता न केवल संपूर्ण उपलब्ध होने के कारण है, क्योंकि ये निबंध संग्रह में सभी स्थानों का वर्णन है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से चरक संहिता की जो भी टीकाएं है उसको लेकर, जैसे कि अभी मैंने कहा था उसमें कुछ संस्कृत की जो टीकाएं है वो है गैदास पंजिका, न्यायचंद्र टीका, चक्रपाणी दत्त भानु, चक्रपाणी रचित भानुमति, दल्लन रचित निबंध संग्रह, हरण चंद्र लिखित सुश्रुतार्थ संदीपन, और हिंदी में जो टीकाएं प्रसिद्ध है वो है भास्कर गोविंद घानेकर। तो भास्कर गोविंद घानेकर जिन्होंने सूत्र और शारीर और निदान स्थान पर टीका लिखी है, तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, MBBS थे ये, MBBS के विद्यार्थी थे लेकिन उनको आयुर्वेद के प्रति इतनी रुचि थी, फिर जाकर उन्होंने एडमिशन लिया और आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त कर ली, और उन्होंने जाकर इस प्रकार से देखिए कि मुझे लगता है कभी कभी हमारा भाग्य है कि आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे देखा जाता है बहुत बार की बाकी सारे लोगों में तो इसमें बहुत काफी रुचि होती है, और हम थोड़ा सा कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि हमारे शास्त्र को लेकर कभी कभी हमें चिंता हो। तो इस प्रकार से ये भास्कर गोविंद घानेकर भी टीका भी प्रसिद्ध है बहुत ही, शारीर जैसे उन्होंने कहा कि शारीर सुश्रुते नष्टहा, जो कि एक जो टीकाकार थे उन्होंने कहा था, लेकिन उसको उन्होंने प्रतिपादित कर शारीर सुश्रुते श्रेष्ठहा, इस प्रकार से शारीर स्थान पर लिखी गई घानेकर टीका जो है बहुत प्रचलित है, बहुत ही इसको माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग अभी दल्लन के बारे में देखेंगे, दल्लन की प्रसिद्ध है टीका काफी, तो जो दल्लन थे आचार्य दल्लन मथुरा समीप अंकोला गांव के वो रहवासी थे, वहां पे वो रहते थे, और गोविंद जयपाल भारतमल और फिर जाकर दल्लन, इस प्रकार से ये परंपरा बताई जाती है, और राजा सहजपाल का उनको आश्रय था दल्लन आचार्य को, और उन्हीं दल्लन आचार्य ने इस निबंध संग्रह जो ग्रंथ है इसकी रचना की है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि हमने काफी सारा चर्चा कर ली है इसको लेकर कि सुश्रुत संहिता क्या है और किस प्रकार से सुश्रुत संहिता को हमने पढ़ना चाहिए, उसकी टीकाएं क्या है, उसका महत्व क्या है, तो काफी विस्तार से हमने इसको देखा है मुझे लगता है। तो आगे हम इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो इसके पहले मैं यहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरह से हिस्ट्री बताई, हमें पता भी नहीं था कि MBBS वालों को भी आयुर्वेद में इंटरेस्ट रहता है, बहुत नया समझ आया। मुझे भी ऐसे बहुत बार मैंने देखा था कि घानेकर टीका तो प्रसिद्ध है लेकिन क्यों प्रसिद्ध है, फिर जाकर आज मैंने तो मुझे लगता है कि ये संहिता पढ़ते पढ़ते हमारा खुद का भी इतना सारा ज्ञान बढ़ जाएगा निश्चित रूप से, और फिर हमें जाकर लगेगा कि अरे इतना सारा हमारे पास है और हम कहा मतलब इसको ये कर रहे थे। तो जैसे कि एक हमारी पद्धति होती है, प्रथा होती है, कोई भी जैसे हमने अष्टांग हृदय में भी इस प्रकार से शुरुआत की है, तो इसी प्रकार से जो सुश्रुताचार्य है उनकी जो संहिता है, तो उसका सूत्र स्थान का जो वेदोत्पत्ति अध्याय है उसका पहला सूत्र केवल मैं पढ़ना चाहूंगी, फिर जाकर हम अपना जो आगे का निदान चिकित्सा स्थान है वो पढ़ेंगे, क्योंकि एक इसका महत्व होता है, अपना पहला जो सूत्र होता है ना जैसे आयु कामय माने ना, उसी प्रकार से यहाँ पे जो सूत्र है वो मैं पढ़ूंगी। तो सहस्त्राक्षम गणाधानो स्वगुरुदेव सरस्वती, सहस्त्रासारम गणाधीनम स्वगुरुदेव सरस्वती, जनकम यत विद्रदिम च शास्त्रार्थो प्राणाप्ययम् प्राणाप्ययम्। तो इस प्रकार से ये सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का ही प्रथम सूत्र है, जो निबंध संग्रह जो टीका है उसमें ये सूत्र स्थान में पहला वर्णन उन्होंने किया है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि सुश्रुताचार्य ने, दल्लनाचार्य ने जिस प्रकार से इसको रचा है तो उन्होंने सभी को माना है, यानी इंद्रदेव को माना है, या फिर जाकर उन्होंने सहस्त्रांशु या इसी प्रकार से फिर ब्रह्मा इंद्र प्रजापति इन सबको संबोधित कर, जैसे कि हम भी हमेशा जैसे हमने आज भी देखा कि हमारी जो प्रारंभ हमने की है तो हम हमेशा प्रारंभ जो करते हैं तो गुरु को हम उद्बोधित करते हैं, हमारे ग्रंथों को हम उद्बोधित करते हैं, हमारे आचार्यों को हम उद्बोधित करते हैं, हम भगवान धन्वंतरी को हम उद्बोधित करते हैं। तो उसी प्रकार से ये उनका बहुत अच्छा ये प्यारा सूत्र है जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने सभी उनके गुरुओं को ब्रह्म इंद्र सभी को उन्होंने यहाँ पे उद्रुक्त किया है, और इस प्रकार से आगे जाकर फिर अंकोला गांव स्थित जो दल्लनाचार्य थे इन्होंने इस निबंध संग्रह संहिता की सुंदर एक रचना की है जो हम आगे पढ़ने जाएंगे। तो निश्चित रूप से सभी को हम फिर से एक बार सभी हमारे आचार्यों को नमन करते हैं निश्चित रूप से, और यह हमारा भाग्य हम समझेंगे कि इसको पढ़ने का मौका हमें मिल रहा है। तो
तो निश्चित रूप से बहुत बहुत आभार और सभी को फिर से एक बार सभी को नमन, अचरक, सुश्रुत, वाग्भट, सभी को एक बार नमन करते हैं। और इसको समझाने का जो हमारा प्रयास है, निश्चित रूप से इसमें हमें यश मिले, बस यही कामना हम इस समय करते हैं। तो आगे मैं वैद्य मितुषी से अनुरोध करती हूँ कि जैसे कि हमने निदान स्थान और चिकित्सा स्थान को पढ़ना है, तो हमने कुछ जैसे तय किया है कि कुछ अच्छा जो कि रुचिकर हो सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग लगे, इस प्रकार से हम इस शास्त्रों को पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे कि हम समान रूपी इसका विवेचन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा पहला अध्याय हम लेने जा रहे हैं निदान स्थान का, कुष्ठ निदान अध्याय। क्योंकि कुष्ठ ये एक ऐसा व्याधि है जिसको कभी कभी थोड़ा हीन भी समझा जाता है, थोड़ा समझने भी कठिन भी है, चिकित्सा के लिए भी कठिन है, थोड़ा दुर्धर माना जाता है, तो क्यों ना हम इसे पढ़े। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं जी। बस शुरू कीजिए आप। यस नितुषी जी मैम, कुष्ठ निदान स्थान फिफ्थ अध्याय से हम शुरू करते हैं। मैं हेतु का श्लोक पढ़ती हूँ। मिथ्या आहार आचारस्य विशेषाद गुरु विरुद्ध सात्म्यस्य वा व्यायाम ग्राम्य धर्म सेविनो ग्राम्य आनुप औदक मांसानि वा पयस्याह अभीक्षणम अशन्तो यो वा मज्जा अत्य अस्नु अभितप्तः सहसा छर्दी वा प्रतिहन्ति। यस यस, तो इस प्रकार से जैसे कि आपने बताया कुष्ठ के हेतु को देखेंगे या कुष्ठ के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कुष्ठ को कभी कभी एक प्रकार से थोड़ा सा अलग डिसीज बताया गया है। कुष्ठ को आधुनिक शास्त्र में हम लेप्रेसी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज। तो थोड़ा सा अगर हम संहिताओं का विवेचन यहाँ पे करेंगे, जैसे कि अलग अलग आचार्यों ने किस प्रकार से संहिताओं में कुष्ठ का विवेचन किया है, तो काश्यपाचार्य ने कुष्ठ के 18 प्रकार बताए, उसमें से उन्होंने साध्य जो है वो 9 और असाध्य 9 प्रकार बताए हैं। तो इसी प्रकार से चरक और सुश्रुत ने कुष्ठ के 18 प्रकार माने हैं, उसमें से उन्होंने 7 जो है वो महाकुष्ठ माने हैं और 11 जो है वो क्षुद्र कुष्ठ माना है। तो इस प्रकार से चरक ने भी अपने इसमें उनका वर्णन किया है, सुश्रुत ने भी वर्णन किया है। एंड दिस वर्ल्ड लेप्रसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th January। And leprosy control program was started in 1955 and leprosy eradication program मतलब जो भी है वो 1983 में। तो इस प्रकार से कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, और भी कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगी जो मैंने कुछ निकाल कर रखा था कि चरक में अगर हम देखेंगे कुष्ठ निदान का वर्णन किस प्रकार से आया है, तो प्रमेह के बाद उन्होंने कुष्ठ का वर्णन किया है। और चरकाचार्य की विशेषता है, जैसे कि चिकित्सा चरक की प्रसिद्ध होती है चरकस्थ चिकित्सक, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि जो दशगत ज्ञान है उसमें जो भी गुरुत्वपान होता था, गुरुत्वपान के बाद इस प्रकार से कुष्ठ और प्रमेह का निर्माण हुआ है, और इसीलिए उन्होंने प्रमेह के पश्चात कुष्ठ का विवेचन किया है। तो मुझे लगता है ये हमारे आचार्य की बहुत ही चतुर बुद्धि है कि कहाँ किस प्रकार से वर्णन किया जाए। वैसे ऊपर से हमें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है, ये क्यों इस क्रम से वर्णन किया है, लेकिन कल में हमने देखा था कि अष्टांग हृदय में जैसे द्रव्य द्रव्यों का विवेचन उन्होंने किया है, वैसे ही यहाँ पर भी चरकाचार्य ने इस प्रकार से जो दधय ज्ञात जो था गुप्तपान के बाद, उससे ये प्रमेह कुष्ठ रोग का निर्माण हुआ, और इसीलिए उन्होंने प्रमेह के बाद कुष्ठ और विसर्प के हेतु, या ये भी एक बात इंटरेस्टिंग है कि अगर हम हेतु को देखेंगे या दुष्ट दुष्ट दोषों को समझेंगे दोष दृष्टि, तो कुष्ठ और विसर्प की काफी दोष दृष्टि संप्राप्ति मिलती जुलती होती है, दोनों ही एक त्वचा विकार है। अष्टांग हृदय कार को देखेंगे हम, तो उन्होंने कुष्ठ श्वेत्र और कृमि रोग का एक साथ निदान स्थान में वर्णन किया है। तो ये देखिए ये भी एक विशेषता हो गई अपने आप में कि सुश्रुत निदान स्थान पांचवा अध्याय जो हम पढ़ रहे कुष्ठ निदान है, फिर चरकाचार्य ने प्रमेह के बाद कुष्ठ का विवेचन किया है, और अष्टांग अध्यायकार ने कुष्ठ श्वेत्र और कृमि एक साथ इनका वर्णन किया है। तो उनका कहना था कि इसमें कृमि का निर्माण होता है, जब भी कुष्ठ बनता है ना, तो उसमें उन्होंने इस प्रकार से कृमि को उन्होंने बताया संप्राप्ति में, तो
अभी जो नितुषी ने हेतु बताया है, तो इस हेतु के बारे में मैं कहूंगी कि कुछ तो, या जो भी त्वचा विकार है उसके अनगणित हेतु होते हैं, बस हमें हेतु ढूंढने आने चाहिए। इसके ज्यादा से ज्यादा हेतु तो हमें हमारे खान पान में ही मिलेंगे। जो भी हमने कल भी बहुत सारा इस पे डिस्कशन किया कि जिस प्रकार से भी हमारी आहार पद्धति हुई है, जिस प्रकार से भी हम आहार लेते हैं, तो बस इसी के चलते इसी प्रकार से उसमें हेतु हमारे मिल जाते हैं हमें। जैसे कि मिथ्या आहार विहार, विशेष रूप से तो ये मिथ्या आहार विहार क्या है, तो यहाँ पर जैसे मैडम ने बताया कि विशेषकर गरिष्ठ विरुद्ध एवं असंबंध भोजन एवं अजीर्ण के बाद तथा बहि पदार्थ भोजन करने के वाले, यानी मृत तैलादि स्नेहपान तथा वमन के पश्चात व्यायाम मैथुन करने वाले एवं इस प्रकार से अनुप तथा जलीय प्राणियों के मांस को निरंतर दुग्ध के साथ सेवन करने वाले तथा जो धूप में घूमने का काम करते हैं, और फिर इस प्रकार से जो उनमें देखा जाता है कि जैसे हमने बताया कि विरुद्ध आहार विहार, तो विरुद्ध आहार ये क्या है? विरुद्ध आहार के बारे में मैंने कल ही एक सेशन लिया था जिसमें कि देश काल मात्रा संयोग देश ऋतु संपद संयोग अलग अलग प्रकार के विरुद्ध आहार आयुर्वेद में बताए गए हैं। जैसे दही एक प्रकार से रात में खाना, ये भी विरुद्ध आहार हो गया। सम मात्रा में कुछ आहार लेना, ये विरुद्ध आहार हो गया। घृत और मधु का प्रयोग सम मात्रा में करना, ये भी विरुद्ध आहार हो गया। देश यानी रात्रि में दही का सेवन करना, ये देश विरुद्ध हो गया। तो अलग अलग हेतु इसके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कि स्नेहपान तथा वमन के पश्चात व्यायाम करना, क्योंकि ना केवल वमन ना केवल स्नेहपान किंतु हर एक जो पंचकर्म होता है उसकी जो संसर्गम चिकित्सा है, क्या करना है क्या खाना है, उसको अगर हम पालन नहीं करते हैं, उसके बाद हम व्यायाम करते हैं मैथुन करते हैं एवं ग्राम में एवं अनु जलीय प्राणी, तो देखिए यहाँ पे कुष्ठ के इसमें हम दोषों को देखेंगे तो तीनों दोषों की दृष्टि होती है, वात पित्त कफ, तीनों दोषों के प्रकोप हेतु यहाँ पे हमें मिलेंगे। ठंडे पानी में प्रविष्ट हो जाए, इस प्रकार से ठंडा पानी या ठंड चीजें ज्यादा वमन के वेग को रोकता है। ऐसे ही मनुष्य की बड़ी हुई जो भी वायु है प्रकोपित होती है, पित्त कफ को भी ये प्रकोपित करती है। आगे बताइए बितुषी, आगे बताइए, आगे क्या हेतु बताए? व्यायाम ग्राम्य धर्म से भी नो, नहीं जी मैम आपने सभी बता दिया, मेंशन कर दिया है आपने सभी। यस यस, तो इस प्रकार से ये सभी ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स कवर कर दिए। यस, तो इसी प्रकार से मनुष्य की बड़ी हुई वायु प्रकोपित हुए, एक हेतु है कि छर्दी का वेग था। हाँ बताइए, छर्दी का वेग धारण करने से कुष्ठ भी होता है, वो भी एक हेतु है। यस यस, तो काफी सारे हेतु अभी तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हेतु मुझे लगता है कि विरुद्ध अन्न पानी संयोग देश काल मात्रा विरुद्ध। आप कुछ बताइए कि आप इसके बारे में कुछ बताइए। विरुद्ध आहार त्वचा रोगों में, कुष्ठ में तो सारे त्वचा रोग वर्णित हो जाते हैं, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ लेकर, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है विरुद्ध आहार विहार। जो रुग्ण विरुद्ध आहार विहार करते हैं, जैसे दूध और दही एकत्र खाना, या फिर दूध एक पूर्णान्न माना जाता है, जो मैं प्रैक्टिस में देखती हूँ स्किन के पेशेंट आते हैं मैम, तो मोस्टली उनके इसमें विरुद्ध आहार कोई ना कोई जो सेवन कर रहे होते हैं वो मिल ही जाता है। यहाँ गुजरात में जहाँ मैं देखती हूँ जितने पेशेंट आते हैं, मोस्टली उनमें से 80% पेशेंट सुबह चाय के साथ या दूध के साथ चपाती या रोटी खाने के आदि होते हैं, जो कि एक विरुद्ध संयोग बताया गया है, और जो पेशेंट में मिल ही जाता है बिल्कुल। और जैसे बेकरी प्रोडक्ट, कोई भी बिस्किट या कोई टोस्ट हुआ, वो दूध या चाय के साथ खाना, या फिर दही दूध मिक्स करके सेवन करना, या फिर मछली और दूध का सेवन करना, या फिर दही या दूध, ऐसी चीजें जो काल बताया गया है वो काल में ना सेवन करना, और पचाया हुआ बिल्कुल एकदम जो टाइम होता है उनका खाने का, वो टाइम पे खाना खाना, ये ना जानते हुए कि पहले खाया हुआ खाना उनका पच गया है नहीं है, ये भी सारे हेतु मिल जाते हैं। जो सिर्फ भूख ना लगने पर भी जो रुग्ण खाना खाते हैं, जो सिर्फ समय का ख्याल करते हैं अपनी भूख का नहीं,
और उसमें से भी बहुत बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन मिल जाता है मैम। कॉन्स्टिपेशन में बहुत सारे पेशेंट जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उनमें कुष्ठ पाया जाता है किसी ना किसी प्रकार का। यस, तो जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे देखिए आप समझिए कि हमें थोड़ा सा कैसे समझना है कि यहाँ पे तीनों दोषों की दृष्टि होती है। जैसे वात का प्रकोप, तो मुझे लगता है वात का प्रकोप के कारण जो है कि पंचकर्मों के बाद जो भी संसर्जन क्रम बताया है वो नहीं पालना, तो इससे वायु का विमार्ग गमन होता है, वेगों का धारण करना, इससे वात बढ़ता है। फिर जिस प्रकार से उन्होंने अनूप जलीय मांस है या फिर बेकरी के पदार्थ है, खान पान या विरुद्ध आहार बताया है, इससे कफ और पित्त का प्रकोप होता है। तो हमें यहाँ पे वायु पित्त और कफ तीनों के हेतु हमें मिल जाते हैं, तो इसीलिए इसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है। तो दुष्यों का बारे में देखेंगे, दुष्य क्या है, तो इसमें रक्त, लसिका, त्वचा, मांस और इस प्रकार से अलम, ये भी एक हेतु बताया। तो रक्त, लसिका, त्वचा और मांस, अभी देखिए हम थोड़ा सा इसको संप्राप्ति में समझाने का मेरे हिसाब से प्रयास करती हूँ कि जैसे वात दोष का स्थान देखेंगे हम, तो त्वचा है, स्पर्शन इंद्रिय है, उसमें वैन वायु सभी शरीर में रहता है, भ्राजक पित्त त्वचा में रहता है ना, और जैसे कि संधि जो है जोड़ों में कफदोष रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो जिस प्रकार से दोषों का प्रकोप होता है और ये दोष विमार्ग गमन हो जाते हैं और जाकर आगे जाकर सिराओं में इनका संचय होता है। तो सिरा कहाँ पे होती है, तो अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मांस, ये सभी रचनाएं त्वचा को लगकर होती है, त्वचा के नीचे होती है, और त्वचा में या त्वचा का पोषण रस रक्त से होता है। मांस त्वचा के अभ्यंतर, मांस और स्तोत्र का मूल स्थान त्वचा बताया गया है, और मांस का उपधातु भी त्वचा बताया गया है। लसिका, लसिका उदक से पीछा भाग रहा, यानी हमारे शरीर के जो भी रस रक्त धातु है उसमें रस से स्रवित होने वाला एक चिपचिपित लिबलिबित जो पार्ट है उसको लसिका कहा है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से बता रही हूँ कि संप्राप्ति कैसी होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों दोष और ये सभी रक्त, लसिका, ये सारे दुष्य जो कि त्वचा के स्थित होते हैं, तो वात दोष की विकृति, सिराओं की विकृति, और इस प्रकार से ये सभी घटक दुष्यों की विकृति, और कहीं जाकर त्वचा में विवर्णता का आना, त्वचा का पोषण न होना। जो कुष्ठ के अलग अलग हम प्रकार देखेंगे आगे चलकर, जो भी एक कुष्ठ है, गिलाप है, गद्रु है, किटिब है, तो इसमें देखिए हमें वात के भी लक्षण मिलेंगे, जो भी ड्राइनेस है, रुक्षता है, जो सफेद दाग निकलना है, पित्त के भी देखेंगे दाह वगैरह, और कुछ कुछ इसमें स्त्राव वगैरह लक्षण होते हैं। यानी तीनों दोषों से आधारभूत ये इसकी संप्राप्ति बताई गई है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि अष्टांग हृदयकार ने इसका वर्णन कृमि के अंतर्गत किया है, दोनों को साथ में जोड़ा है उन्होंने, कुष्ठ कृमि को। तो उनका मानना था कि कृमि का निर्माण, तो कृमि क्यों बनते हैं आप बताइए कि कृमि का निर्माण क्यों होता है। तो जैसे कि त्वचा एक हमारा एक्सटेंडरी ऑर्गन भी है, त्वचा से उत्सर्जन भी होता है, सीबेसियस ग्लैंड है, वहां पे अलग अलग स्नेह पदार्थ का स्रवण होता है। तो इस प्रकार से जब दोष दुष्ट होते हैं तो ये जो स्वेद है, स्नेह है, सीबेसियस जो सिक्रेशन होता है, अलग अलग सिक्रेशन होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, या उसमें कहा तो भी क्लेद बन जाता है, और यही क्लेद जाकर कृमि बनता है, और इसी कृमि से, इसी प्रकार से ये हमारे त्वचा के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो दर्शन देखते हैं, या अलग अलग प्रकार की विवर्णता देखने को मिलती है। तो इस यही कुष्ठ की संप्राप्ति मेरे ख्याल से, आप बताइए आपका क्या कहना है। मैम, कुष्ठ की संप्राप्ति में और एक बात का विचार भी होना चाहिए, मलो, मलों का विचार, जैसे स्वेद, मल और मूत्र, इनका विकृत हो जाना, ये भी कुष्ठ का, ये भी कुष्ठ के बहुत महत्वपूर्ण कारणों में आता है मेरे ख्याल से। यस यस, तो मतलब मुझे ये कहना है कि त्वचा, देखिए आप त्वचा को समझिए, त्वचा के साथ क्या क्या जुड़ा है, रस रक्त है, मांस है, लसिका है ना, तो ये सारा जो घटक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर ये सारे दोष जाकर त्वचा में दृष्टि निर्माण करते हैं, फिर रस रक्त की दृष्टि, मांस की दृष्टि, और फिर यही रस रक्त मांस की दृष्टि हमें त्वचा के ऊपर अलग अलग प्रकार से जब प्रतीत होती है, अलग अलग लक्षणों के हिसाब से, तब इनका विभाजन हम एक कुष्ठ और महाकुष्ठ में कर देते हैं। तो कुष्ठ यानी क्या है, एक प्रकार से विवर्णता, एक प्रकार से अलग अलग फोड़े, फुंसिया, पत्तियां, जिसमें खुजली है, जिसमें दाह है, जिसमें कुछ स्त्राव निकलता है, तो ये सारा ही तो कुष्ठ है। कुष्ठ यानी लेप्रसी, कहीं कहीं वहां पे सज्ञानाश भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें वात दोष यानी व्यान वायु को हमें समझना है, क्योंकि व्यानो हृदिस्थितः कृष्ण दयाचरी महाजवः गति प्रक्षेपण उपक्षेपण प्रायः सर्व क्रियाः तस्मिन् प्रतिबद्धः, सभी क्रिया व्यान वायु से ही हमें
हमारे शरीर में रक्त का संचालन होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे व्यान वायु की गति भी हमें देखेंगे। तो मुझे लगता है कि कुष्ठमय हमें तीनों दोषों को समझना है। आप बताइए मितुषी, आप कुछ बताइए कम प्राप्ति के बारे में या निदान के बारे में। यस मैम, जैसे कुष्ठ में हमें त्रिदोष के बारे में सोचना होता है और मल के बारे में भी सोचना होता है। और जैसे कृमि का आपने बताया तो मुझे एक डाउट है। आई थिंक कि चरक आचार्य ने कृमि कफज से बोला है, लेकिन सुश्रुत आचार्य ने कृमि का उत्पन्न पित्तज से बोला है कुष्ठ में। yes, लेकिन कफज दृष्टि ज्यादा होती है वैसे। आप बताइए। नहीं मैम, तो वही मुझे डाउट है कि क्योंकि मैंने पढ़ा है तो पित्तज दृष्टि से कृमि होता है कुष्ठ में, सुश्रुत आचार्य। ओके। तो इस प्रकार से संप्राप्ति में देखेंगे तो कफज से चरक आचार्य बोलते कि कफज से। यस, तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि ये शरीर के बाह्य मार्ग यानी रक्त, लसिका, त्वचा और मांस को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर विभिन्न विक्षिप्त हुआ दोष जहां वहां संचार करता है उस स्थान पर ये मंडल पैदा करता है। तो निश्चित रूप से जैसे मैंने अभी कहा कि वायु सर्व शरीर व्यापी है, तो ये वायु क्योंकि रस, रक्त, लसिका, मांस, त्वचा संपूर्ण शरीर को व्याप्त करती है, तो ये वायु विमार्ग गमन होकर जहां वहां बहता मतलब फिरता रहता है, घूमता रहता है और जहां पे भी उसे चाहे, जैसे हम खवैगुण्य कहते हैं, वहां पर जाकर वो मंडल का निर्माण करता है, चक्र निर्माण करता है और इस तरह से देह की त्वचा में गया हुआ दोष वहां रहकर प्रतिकार न करने से यथाक्रम अनुसार रक्त, मांस, धातुओं को दूषित करता है। और कुष्ठ में भी हमने देखा है कि काफी सारे धातुओं की इन्वॉल्वमेंट होती है और इसी को चरकाचार्य ने बाह्य रोग मार्ग में इसका वर्णन किया है। तत्र शाखा रक्तादयो, इस प्रकार से त्वक और बाह्य रोग मार्ग, इस प्रकार से उन्होंने मतलब चरकाचार्य ने बाह्य रोग मार्ग में, बाह्य रोगावस्था में इसका वर्णन किया है। कुष्ठ के कारणों में भी उन्होंने भी कुछ प्रकार से जो भी हमने अभी कारण बताए हैं उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ जैसे कि हमने मैं तब तक संप्राप्ति का श्लोक पढ़ती हूँ। जी जी। तस्य पित्त श्लेष्मणाओ वृद्धि अस्तिरि समुद्धय ब्राह्म्यः मार्गं प्रति समन्ता द्विक्षिपति यत्र यत्र च दोषो विक्षिप्तो निक्षरति तत्र तत्र मंडलानि प्रादुर्भवन्ति एवं समुत्पत्यन्न सत्वा अचिदोषस्तनः तत्र च परिवृद्ध्यं प्राप्यः प्रतिक्रियामणो अभ्यंतरम् अभ्यंतरं प्रतिपद्यते धातु न अभिदुष्यनः। यस, तो जैसे कि मेरे हिसाब से आप लोग ने सभी संप्राप्ति के पॉइंट्स बता ही दिए हैं। यस, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कुछ मानसिक हेतु के बारे में भी बता दीजिए मैम। चिंता, क्रोध, शोक, ये भी है, ये भी इनका भी उल्लेख यहाँ पर जरूर हमें करना चाहिए। और आयुर्वेद में कुष्ठ को पुलज भी माना गया है, तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है ये भी एक बार बार ऐसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि जिनको इस प्रकार से कुछ स्किन डिसीजेस होते हैं तो उसमें चिंता का भी, चिंता नाम चाहती चिंता नाम, ये भी यहाँ पे रस दृष्टि का कारण बताया है, रस वोस की दृष्टि का कारण बताया है। तो एक ये कुलज भी माना जाता है। कभी हम देखते हैं पेशेंट को कुष्ठ के तो मानसिक रूप से थोड़ा पीड़ित रहता है क्योंकि इस प्रकार से, क्योंकि त्वचा को हम लोग सौंदर्य का एक प्रमुख मापदंड मानते हैं और जहाँ हम देखते हैं कि इस कुष्ठ में त्वचा में वैवर्णता आती है, अलग अलग त्वचा के जो भी ये लक्षण होते हैं, अलग अलग प्रकार है, औदुम्बर, कपाल, काकनक वगैरह, इनमें अलग अलग लक्षण त्वचा पर दिखते, तो एक प्रकार से व्यक्ति व्यथित हो जाता है, मानसिक रूप से पीड़ित होता है और यही मतलब बाद में भी उसको मानसिक पीड़ा होती ही है। और जो पहले के हेतु है उसमें भी हमें चिंता, शोक, क्रोध, इन सभी विकारों को
हमें देखना है, समझना है और कूलज भी इसको माना है। इस प्रकार से ये भी थोड़ा सा मतलब चर्चा का विषय रहेगा कि इसको कूलज की कूलज भी माना, क्योंकि आयुर्वेद में थोड़ा सा हमें अधिदैवी इस प्रकार से उपाधिक वगैरह अलग अलग जो रोगों के प्रकार बताए गए हैं तो आपसे ये कूलज भी माना है। और चरक में भी इसी प्रकार से इसको कूलज माना है कि माता पिता से उत्पन्न बालकों को यदि उसी वक्त पृथक कर दिया जाए तो वह कुछ नहीं हो सकता, किंतु उससे कुष्ठोत्पत्ति की अनुकूलता होने से कुष्ठी के साथ संसर्ग होने पर अन्य की अपेक्षा जल्दी कुष्ठ से आक्रांत हो जाता है। तो मतलब इस प्रकार से है कि निश्चित रूप से थोड़ा चांसेस ज्यादा रहते हैं कुष्ठ होने के, कूलज हेतु उसमें बताया गया है। आप आगे बताइए, तो कुछ कहना है मैम? कुष्ठ को कर्मज व्याधि भी बोला है, कूलज व्याधि और कर्मज व्याधि भी बोला है श्रुताचार्य ने। जैसे कि हम ब्राह्मण स्त्री या उनका डिसरिस्पेक्ट करेंगे या फिर गुरु का अनादर करेंगे या बड़ों का अनादर करेंगे तो वो भी कर्मज हेतु भी कुष्ठ में आता है। यस, यहाँ पे मैं और एक बताना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कर्मज हेतु, तो पाप पुण्य आदि जो भी है ये भी एक कारण है। कुष्ठ को थोड़ा सा एक प्रकार से हम क्या कहेंगे, एक अलग प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया है कि कुष्ठ ना केवल आहार विहार बल्कि इसमें हमें कूलज हेतु को भी समझना है, इस प्रकार से पाप पुण्य आदि कर्मों के साथ भी इसको जोड़ा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर ये आगे जिस प्रकार से उसके लक्षण होते हैं, असाध्यता होती है, इसको लेकर इस प्रकार का विवेचन शायद आचार्यों ने भी किया है ना? आप बताइए जी। जी, जी मैम, जी जी यस, आगे का क्या है? आगे सुश्रुताचार्य ने पूर्व रूप बताए हैं मैम। हाँ बस पूर्व रूप लीजिए, हम फिर सत्र समाप्त करते हैं। जी मैम, तस्य पूर्व रूपाणि रुक्पारुष्य मकस्माद्रि महर्षः कंडुः स्वेद बाहुल्यं स्वेदनं वा अंग प्रदेशानां स्वापः क्षत विसर्पणं मसृजः कृष्णता चेति। Yes. तो यहाँ पर बताइए, आप बताना चाहेंगी तो बताइए। कुष्ठ के पूर्व रूप बताए मैम, त्वचा पे रूखापन आना, अचानक रोम हर्ष होना, फिर कंडू होना, पसीना ज्यादा आना या पसीना ना आना, फिर अंग प्रदेशों में सुन्नपन आना, लॉस ऑफ सेंसेशन होना, फिर व्रण का फैलना और रक्त का कृष्ण वर्ण का होना आदि कुष्ठ के ये बताए हैं, पूर्व रूप बताए हैं। और वाग्भट जी ने भी कुछ इसी प्रकार के पूर्व रूप बताए हैं, जैसे शरीर का अत्यंत चिकना या खुरदरा होना, ज्यादा पसीना या ना आना, फिर जो कुछ अलग बताए हैं जैसे सुई चुभाने जैसी वेदना होना, फिर पित्तिका उछलना, फिर व्रणों में अत्यंत शूल, घाव का जल्दी होना और बहुत काल पर्यंत रहना, और घाव सूख जाने पर भी रुक्षता होना वहां पर, फिर अल्प कारण से बहुत प्रकोप होना, रोम हर्ष, रक्त में कालापन, ये सारे कुष्ठ के पूर्व रूप बताए गए हैं। यस यस, तो आपने मतलब सुश्रुत और अष्टांग हृदय के बता दिए, तो मैं चरक ही बता देती हूँ कि चरक ने भी अपना कुछ अलग से वैवर्ण्य, परिदाह, फिर परिश्रम, उष्मायन, वेदना, तो इस प्रकार से गौरव, तो ये सारे लक्षण उन्होंने कहा कहे, तो मुझे लगता है कि ये सारे लक्षण पूर्व रूप के रूप से है, किंतु जब हम एक प्रकार से अलग अलग प्रकार हम देखेंगे आगे एक कुष्ठ या महाकुष्ठ, तो हमें ये सारे लक्षण अलग अलग कुष्ठों के प्रकार में किस प्रकार से वर्णन किए हैं इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का सत्र हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो निश्चित रूप से थैंक यू वेरी मच ऑल, जो भी हमारे दर्शक है उनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सो थैंक यू डॉक्टर निधि, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। डॉक्टर कैलाश सर प्रणाम, डॉक्टर मनदीप सर प्रणाम, आप रोज आते हैं विश्व सेवा, थैंक यू। संस्थान बलविंदर सिंह जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नंद कुमार सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पूर्वकर्म और पापकर्म आल्सो, यस यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू, यस। तो पाली देशमुख, गुड इवनिंग ऑल, तो सभी जो भी वैद्य है सभी को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सुश्रुत को पढ़ना आपको भी काफी एक्साइटिंग लगेगा, और ये एक हमारा अपनी बुद्धि के हिसाब से प्रयास है कि हम इसको
इस प्रकार से विवेचित करने का प्रयास मुझे लगता है प्रथमता ही कर रहे हैं यहाँ पे भी, इस प्लेटफॉर्म पर भी। तो बहुत आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार सहयोग के लिए निश्चित रूप से। तो बस हम इस सत्र को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जी मैम, बहुत 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 आभार मैम आपका। थैंक यू, बस अन्य सभी को थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।